हेलो गाइस, मैं प्रियल अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नई ट्रिक लेके आई हूँ, फ्रैक्शंस की ट्रिक। किसकी? फ्रैक्शंस की ट्रिक है ये। कैसे पता लगाए कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा है, या फिर अगर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। मात्र आपको 1 मिनट में एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगी, 1 मिनट लूंगी और एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगी। अगर आई क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको शेयर अच्छे से कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फटाफट से लाइक का बटन में दबा दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखिए आपके सामने ये है टाइप 1, आपके सामने टाइप 1 है। अब इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले देखने वाली बात वो है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाली संख्या, जो भी न्यूमरेटर है आपका, जो भी न्यूमरेटर है वो छोटा है। क्या है? छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। पहली चीज जो देखने वाली बात ये थी, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब डिफरेंस देखो, इन दोनों डिफरेंस कितना है, यहाँ 4 का है, 4 और 3 7, 4 और 5 9, 7 और 1 कितना हो गया, 4। सब में डिफरेंस 4 का है। दूसरी चीज क्या है, डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, डिफरेंस कॉमन हो, हर जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है जो सबसे ऊपर की जो वैल्यू बड़ी होती है, 21 33 51 87, सबसे बड़ा क्या है, 87 बड़ा है, तो ये है आपका क्या हो जाएगा, बिगर वैल्यू। क्या हो जाएगी? बिगर वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। आई बात समझ में? तो ध्यान क्या देना है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस सब जगह कॉमन है, 4 4 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही देखो, वही सेम चीज, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, डिफरेंस ये कितना है, 23 24 25 22 2, 55 2 2, सब जगह डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन है, डिफरेंस भी आपका कॉमन हो गया। तो सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, 23 31 53 71, सबसे बड़ा क्या है ये, तो बिगर वैल्यू ये होगी। छोटी क्या होगी, 23, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, सबसे छोटा यही है। ये केस कब होगा, जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब मान लीजिए जस्ट इसका उल्टा कर देती हूँ, देखना, अगर मैं जस्ट इसका उल्टा करूँ, देखो 25 ऊपर 23 नीचे, 33 ऊपर 31 नीचे, उल्टा कर, जस्ट इसका उल्टा कर दिया, तब क्या करेंगे, अब क्या हुआ, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करेंगे, सेम वही, डिफरेंस अभी भी 2 का ही है, डिफरेंस अभी भी 2 का ही है, बात ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो जो सबसे बड़ा ऊपर होगा, जो सबसे बड़ा ऊपर होगा वो सबसे क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, ये बात ध्यान रख, बस उल्टा, जस्ट यहां उल्टा किया, सेम उल्टा कर दिया, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा। आए बस समझ में? तो ये था आपका टाइप 1। ध्यान क्या देना है, न्यूमरेटर पे कि छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर ऊपर जो संख्या है वो बड़ी है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, सिंपल। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखिएगा, देखना अगला टाइप का सवाल ये रहा। अब ये देखिए, डिफरेंस देखने वापस इसके अंदर, डिफरेंस देखने वापस इसके अंदर, डिफरेंस देखिएगा कितना है, 19 20 21, 2 का, 53 4 का, 37 6 का, और कितना हो गया ये, 5 6 7 2 12 का, 2 4 6 और 12। अब देखो डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस क्या है, अलग 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 है, डिफरेंस अलग हो गया। दूसरी चीज क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, जब डिफरेंस सब जगह अलग होगा तब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या ली, 119 अपॉन का 2 कर दिया, 151 अपॉन का 4 कर दिया, 31 अपॉन का 6 कर दिया, 63 अपॉन का 75 कर दिया, सॉरी अपॉन का 12 कर दिया। अब देखो 2 4 6 और 12 का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये कट गया, 6 दूनी 12,
फोर थ्री ट्वेल्व, टू से ट्वेल्व, अब मल्टीप्लाई कर दो, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वही इसका आंसर होगा। नाइन वन वन नाइन इंटू सिक्स सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी को। जब डिफरेंस आपका अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर के नीचे जो डिफरेंस आया उसको लिख देंगे, फिर जो डिफरेंस आया इसको हटाना है हमें। देखो छह बाय दो को निकालना ज्यादा आसान है या फिर तीन को, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। हमें फ्रैक्शन से डर लगता है, हमें मकसद ये होता है फ्रैक्शन हटाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाए। तो दो चार छह और बारह का एलसीएम ले लिया, बारह एलसीएम आया, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसा देखिए ये वाला क्या है, डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर कितना है, 6 कितना है, 57, 58, 59, 60, 61, 4, 89 और 12, 12, 12 और 9, 6 का, 5, 9, 9, 59, 53, 6 का, और ये हो गया 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, कितना हो गया आपका 9 का। तो 4, 6, 6 और 9, ये लोग अब आप ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क का सवाल। सेम वही है, डिफरेंस सब जगह अलग है, तो क्या करेंगे, वही 57 अपॉन का 4, 89 अपॉन का 6, नहीं 89, 90, 91, 92, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आएगा, 3 का आएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से करेंगे, सेम वही डिफरेंस है, सब कुछ सेम टू सेम है, ज्यादा कोई चेंज है नहीं, वही डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई का सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, अगर बड़ा है तो बड़ा आएगा, छोटा है छोटा आएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो न्यूमरेटर में उस डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका शायद कुछ होगा नहीं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शन वैल्यू में आपका निकालने का, क्या सबसे बड़ा छोटा पर छोटा वैल्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मैं यही कहूँगी, आप शेयर कीजिएगा सबसे ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सबसे ज़्यादा, अपने बाकी दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपसे ये सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा, और जगह अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए बहुत कम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय और हैव अ गुड डे। शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, एक मिनट में एक कंसेप्ट है, रेगुलर क्लास आती है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।